और अंकल जी मुझे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पिछले कल तो वैसे ही बना, मेरा दीदी पे कोई प्रैंक नहीं हुआ। सुबह भी ट्राई किया, प्रैंक ही नहीं हुआ। देखती हूँ अब होगा कभी, देख लेना। बड़े बड़े छतरे हैं दीदी, आपको पता है, शानदार सब कुछ पता होता है उनको। उनको पता था गुली प्रैंक करने वाली, और मैं वहाँ पे रिंग लाइट में मैंने सामने कैमरा फंसाया। वहाँ दूर फंसाती ना मैं तो चलो ठीक था, लेकिन तो क्या करूँ, किस्मत खराब हो जनाब, तो क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा करूँगी अभी एम्पा ब्लॉग एडिट करने को, साथ में नहा धो के फ्रेश भी हो गई हूँ। मेरे को पता है मेरे को फिर से नींद आ जाएगी ब्लॉग एडिट करते करते, पर मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या होता है दिन भर ऐसे ही, क्योंकि बाहर तो आजकल ना जा नहीं सकते। मौसम इतना ख़राब रहता है, इतना ख़राब रहता है, मतलब कि पूछो मत, उतना ख़राब रहता है आजकल मौसम। तो भी देखती हूँ अभी, आपको बताइए ये मेरा बेड कब से साफ नहीं किया, इतना सी बात है, इसको भी साफ़ कर लूँगी। और चलो ब्लॉग एडिट करती हूँ, साथ में ब्लॉग एडिट करते हैं। समय 12:55 हो गए भाई, 12:55। तो गाइस अभी ब्लॉग व्लॉग एडिट करने के बाद जब मैं बिस्तर पे पड़ी थी ना, मैं सो गई थी उस समय। इनका इंस्टाग्राम लिंक दूंगी मैं, शॉर्ट वीडियो रील्स बनाते हैं मोटिवेशनल, तो आप भी जरूर देखना। तो मैं क्या कह रही थी, मैं सो गई थी यार, मेरे को नींद आ गई वहाँ लेटे लेटे, मैंने ब्लॉग एडिट ही नहीं किया। उसके बाद उठी, ब्लॉग एडिट किया, देन थंबनेल वगैरह जो भी होता है वो सब बनाया और क्या किया। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कल कहा था आपसे, और थोड़ा सा काम भी है, कल भी कहा था मैंने आपसे कि हाँ दीदी गए थे किसी को देखने, आज मैं भी जा रही हूँ। तो हम चलते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई है। पता नहीं यार, जल्दी यहाँ से रूम से जब जाते हैं ना, हर काम करके चले जाते हो, सॉरी मतलब हर काम करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का कोई पता नहीं होता है, जब हम ऊपर चले जाते हैं सारा काम करके जाना, जहाँ भी जाना। हम चल पड़े रूम से। गाड़ी की चाबी लाई। चले गाइस, तो हम लोग अभी ऑफलाइन पहुंच गए हैं। अब ऑफलाइन से ऊपर अरे ज्यादा सीधा एजेंसी लक्कड़ बजा होते हुए उधर से आईजीएमसी जाएगी, और वहाँ पे तो मुश्किल होता है ऐसी वीडियो ब्लॉगिंग करना, इसलिए मैं करती हूँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस हम लोग फ्री हो गए हॉस्पिटल से, 7 बज गए हैं। ये चश्मे अच्छे नहीं लगते ना, 7 बज गए हैं हम लोग फ्री हो गए, अभी हम लोग ऑफिस आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि दीदी को शेक तो पिला लो, नहीं तेरे को नहीं पिलाना, चली है ना ये। मैं नहीं किसी की चेली यार, सीरियसली आपकी कसम का ये चेली है। नहीं हूँ यार, कसम से आपकी कसम खा रही हूँ, झूठी मैं चेली की कसम है, ये चेली है। इसको पता ही किसकी चेली है, चुप रहो यार गाइस, मेरे खिलाफ खड़ी हो जाते हैं, पता है आपको होना ही है खिलाफ खड़े यार, देखो ना आपको पता है दीदी का, नहीं अच्छे से पता ना आप लोगों को, अच्छे से पता है ना इनका आपको, हाय ना ऐसे ऐसे लोगों पे प्रैंक किया जाता, जब कर रहे होगे तब करते हाँ, नहीं होता नहीं हमसे कहा होगा प्रैंक, नहीं गाइस। मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्या ही नहीं कहने को, क्या कहूँ मैं आपसे, ये भीड़ भड़ा का देखो यहाँ लेकर बाजार का, और क्या कहूँ मैं आपसे, लोग यहाँ ठुले रहते हैं, ठुले कहाँ तो जाते हैं, मेरे को तो ये पता नहीं है। प्यास भी लग गई यार, शेक भी पीना था, पता नहीं शेक पिला रहे कि नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने पिया नहीं शेक, पीती तो रहती हूँ मतलब, तो यहाँ का नहीं पिया, जहाँ हम पीते तो आपको सनसेट दिखाती हूँ। दीदी हमको शेक पिला रहे,
नेक्स्ट चल जाएगा यार, नखरे ना मारो, नखरे हॉट स्पॉट हॉट स्पॉट लेते हैं। मैं तो मैंगो शेक पीऊंगी कब से। और दीदी हालत तो देखो, हमारी हालत तो देखो खस्ता होगी। ये शेक ही शेक पियो आप भी और हम भी। क्या हो गया? थकावट भी नहीं होती मेरे को आजकल, पता है क्यों? इस गुली से कम सोती हूँ। हो यार मैं बेली हूँ ना, सो रही है पता है, बेली हूँ ना बहुत ज्यादा। आंटी ने मेरे को ठीक बोला, बोला ये तो बोला सिर्फ खाते हैं। तब क्या करना खाओगी? हमारा शेक आ गया है, आज मैंने पी भी लिया। मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई कि शेक आ गया हमारा। काफी अच्छा है, उनका ज्यादा अच्छा होगा। बादाम शेक अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग, पर अलग अलग पीना चाहिए। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं मॉल रोड की साइड, इनकी वजह से। बोलो क्यों लाया हमारे को? सच सच बोलना, इनका देखे पता क्या गाइस, और कुछ जयंती चली। आजकल इतने सारे नेता है, सारे लाइन में लगाए, जितने भी मारे हैं ना। नहीं ऐसे नहीं बोलते, सॉरी आई एम सॉरी के लिए काम की। तो पता नहीं 11 है कि 12 है, मैंने ऐसे देखे थे कुछ लाइन में ना, क्योंकि ये गुली तो आई नहीं इधर मॉल की तरफ। मैं आई थी दो दिन, एक दिन डीसी ऑफिस गई थी, पता नहीं क्या काम था मेरे को। फिर उनकी ना कुछ है उनके लिए, जैसे अरदास वगैरह होनी कुछ की हुई ना। देख सुनाई दे रहा है तेरे को धीरे धीरे, अभी दिखाई हम आपको परे जाके। कुछ तो होगा गाइस, चलते हैं। मैं झूठ थोड़ी बोलती हूं यार, लोग यार शौक है झूठ का। अरे एक तो मुझको ना मॉल पे गाइस, पहले मैं बचपन में बहुत झूठ बोलती थी, अब मैं अच्छे के लिए झूठ बोलती हूं। ऐसा होता है ना, काफी टाइम मेरे को मॉल आना था, झूठ भी अच्छे के लिए। मैं बोल रही हूं ऐसे ना गाइस, की यार काफी टाइम बाद आ रही हूं मैं मॉल, देखते क्या चला हुआ है क्या नहीं। पता नहीं क्या जयंती हो रही है, जयंती तो क्या सबकी एक साथ ही होगी, गलत हो रही है जी दीदी, है ना। आगे देखते क्या होता है। वैसे मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ ऊपर को यार, मेरे को रूम से बाहर निकलना ही ऐसा लगता है, बस कुछ भी मत। अभी सोच रही हूँ मैं ट्रैवल करती हूँ कहीं 6-7 दिन के लिए, फिर देखते क्या होता है। बनती है प्लानिंग, ठीक नहीं बनती है तो फिर कमरे के अंदर ही क्या होता है, देखते हैं क्या मौत पे चला हुआ। Say hi to my vlog. Hi. क्या हाल है? Hi people. ये गाइस यहाँ लाया दीदी ने, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, बस ये चल रहा है पुलिस वाले। सम्मान लेते हैं सर का एक्सपीरियंस। हेलो सर, सर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप थोड़ा सा बताओगे अपना एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको आज के लिए सारे चीजें करके? मतलब पहले आप नॉर्मल थे ना, हाँ आपका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। नहीं एक्सपीरियंस तो ये पुलिस के द्वारा गवर्नमेंट की जो वो है ना, ओके, तो ये पेट्रोलिंग के लिए लाई गई। अच्छा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज कल का? आप परसों आई थी ना? हाँ, परसों से लेकर ये सुरेश भारद्वाज जी ने दिया है ये ना। अच्छा, ये कैसा लगता है आपको इस पे घूमना? नहीं ओके सर, थैंक यू। और अंकल जी मुझे हम लोग मॉल रोड घूम के आ गए हैं, जो कि वहाँ पे कुछ नहीं था जैसा दीदी ने कहा था। बंद हो चुका है वहाँ पे, जो जयंती थी ना वो हो चुकी है। किस चीज की जयंती? सबकी जयंती है, किस आदत की? क्या पता क्या था ना, उन लोगों का स्पेशल रखा गया था ऐसे कि मतलब इतने 5-7 दिन ना उनके लिए रखे गए थे, वो काफी दिन से था यहाँ पे। पुलिस वालों के लिए नहीं देखा गाइस आपने, है ना? क्या मस्त बनाया हुआ है रे। आप लोगों को मैंने बोला था ना सोशल एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं ना, तो पर आजकल हमारे पास ना बट हम जरूर करेंगे। ये पता नहीं क्या करती है, तो ये अंकल को पूछने भी नहीं जा रही थी पुलिस वाले। गाइस यार शर्म लगती है, समझा करो यार। गाइस बताओ आप लोग, अगर ये शर्म करेगी तो फिर तो हो गया इसकी जिंदगी। शर्म तो क्या, मुझे लगता है ना मेरे को पुलिस वालों से डर लगता है, सीरियसली बोलू सच में ऐसा है। कभी मूड ही ऑफ हुआ रेट कर गए है ना, हो जाता है ऐसा ऐसा के आवाज। ये नहीं होता गाइस, जिसको थोड़ा ना अंदर से अभी हेजिटेशन हेजिटेशन नहीं है, डर लगता है। आपको पता है ना
आपको बड़ा भारी पता है क्या रीजन है ना, आपू की मैं हूँ, मैं मुझे डर लगता है, सीरियसली कह रही हूँ मैं यार, अदरवाइज मैं तो हर किसी के साथ ही बात करती हूँ। गाइस मेरे पर विश्वास करो, इतने साल की खुद भी नहीं है जितने साल की मैंने इसको पाला है। कुछ भी जब मम्मी के पेट में बैठा तब कभी मेरे को पता है इसके साथ क्या चाहिए। आयो बढ़िया तब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, शर्म तो आती है देखो ऐसे। हाँ क्यों फोन पकड़ पकड़ के, एक तो मॉल रोड पे ऐसे पकड़ू मैं फोन, दिख रही होगी मैं आप लोगों को ऑब्वियसली दिख रही होगी। हाँ लक्कड़ बाजार में लोग, लोगों के बीच हम अंकल ज्वाइन हो गए जुड़ चुके हैं लाइव टाइम टीवी के साथ। हॉस्पिटल से कौन है बीमार? मैं। अच्छा तो मैं, हम लोग रूम पे पहुंच गए हैं, अभी हम डिनर करते हैं, हमारा डिनर आ गया इस थैली में, ठीक है अभी डिनर करते हैं फिर देखते क्या होता है। गाइस गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे हो गया है, कल तो शाम को मैं कुछ के बाद खाना खाने के बाद हमको तुरंत नींद आ गई, ठीक है अभी उठी और सुबह मेरी फ्रेंड है प्रिया तो मेरे को कॉल करी, मैंने भी, मैं वैसे किसी का नहीं उठाती सुबह ना, मैं नींद में मैं कभी भी किसी का फ़ोन नहीं उठाती, मैं ऐसे उठा लिया और उसने मैं ले लस्सी लाई थी और आज हमने लस्सी पी उसकी, सुबह ब्रेकफास्ट में मस्त मजे आई लस्सी पी के और सब्जी सब्जी खा के। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ यार, खुद को मेरे पास काम बहुत है करने को, सफाई करने को, बर्तन धोने को, दीदी हॉस्पिटल निकल गए और मैं काम करती हूँ, फिर बाय। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय, लव यू ऑल।